प्रणाम जी सुंदर साहब जी। शोभा देखने का प्रयास कर रही हैं श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति, परमहंस महाराज श्री जोहरदास महाराज जी लिखी। रंगमहल की दक्षिण दिशा में आई बट पीपल की चौकी, आड़ी खड़ी नहरे कटने से बने चौक, एक चौक की शोभा देखे तो एक चौक की चारों दिशाओं में चार नहरे और चारों कोनों में छह बच्चों की शोभा है। इस शोभा को विस्तार से देखते हैं पेज नंबर 113, चौकी के छह बच्चे। हर चौक के चारों कोनों पर चार छह बच्चे आए हैं, जो आधे आधे मंदिर के लंबे चौड़े और भूम भर गहरे आए हैं। चारों कोनों में आए छह बच्चे, भूम भर गहरे और आधे मंदिर के लंबे चौड़े। हर छह बच्चे में पांच फवारे चक्रीदार आए हैं। छह बच्चे की चारों तरफ रोज आई है। ये सब छह बच्चे दूसरे चौक में भी गिने जाएंगे। आड़ी खड़ी नहरे कटने से बने चौक, चारों कोनों में आई छह बच्ची, एक एक छह बच्चे सुटते पांच पांच फवारे। एक फवारा सीधा ऊपर को जाता हुआ चार फवारे दिशा की छह बच्चे में पड़ते हुए। छह बच्चे को घेर कर रोसों की शोभा आई है। आधे मंदिर के लंबे चौड़ी छह बच्चे, छह बच्चों को घेर कर नूरमयी रोंस की शोभा, पठेड़ों की शोभा। और ये छह बच्चे दो दो बगीचों में काम आ रहे हैं। ये छह बच्चा इन बगीचे का भी है, ये छह बच्चा इन बगीचे का भी है। जैसा कि महाराज शिव जी कह रहे हैं, ये सब छह बच्चे दूसरे चौक में भी गिने जाएंगे। ये छह बच्चे उत्तर से दक्षिण 16 की 6 हारे, पूर्व से पश्चिम 6 की 16 हारे आने से कुल 96 छह बच्चा आए हैं। प्रत्येक चौक के चारों कोनों पर आए सुंदर नूरमयी छह बच्चे, एक एक छह बच्चे से उठते पांच पांच फवारे। इनकी गिनती देखते हैं। सदगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन के माध्यम से शोभा देखते हैं। पूर्व में शोभा देख चुके हैं कि आड़ी नहरें 6 आई हैं और खड़ी 16 आई हैं। आड़ी खड़ी नहरें कटने से रंग महल के चबूतरे के साथ जो बगीचे आए हैं, उन बगीचों के जो चारों कोनों में छह बच्चे हैं उनकी गिनती करते हैं। 16 खड़ी नहरें तो 16 ही छह बच्चे, 16 छह बच्चों की 6 हारे, पहली हार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इसी तरह से पूर्व से पश्चिम देखते हैं तो 6 छह बच्चों की 16 हारे। तो इस तरह से कुल 96 छह बच्चों की शोभा आई है। आगे महाराज शिव जी अति सुंदर शोभा का वर्णन कर रहे हैं। चौकी के चारों कोने वाले छह बच्चों से गुप्ता गुप्त वृक्षों की थड़ों से होकर ऊपर को पांचवी चांदनी पर जाता है। नूरमयी जो जल है, चौकी के जो चारों कोनों वाले छह बच्चे आए हैं, चारों कोनों के जो छह बच्चे आए हैं,
इन छह बच्चों का जल, ये जो कोने में वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों की तनों सी थड़ों सी गुप्ता गुप्त ऊपर की ओर जाता है, जैसा कि महाराज शिव जी कह रहे हैं, चौकी के चारों कोना वाले छह बच्चों से पानी गुप्ता गुप्त वृक्षों की थड़ों से होकर ऊपर को पांचवी चांदनी पर जाता है। चांदनी पर चार चबूतरे कमर भर ऊंची एक एक मंदिर के लंबे चौड़े बने हुए हैं। पूर्व में शोभा देख चुके हैं कि बट पीपल की चौकी की चार भौं पांची चांदनी आई है। 96 छह बच्चे तले की भौं पे देखे, अब चांदनी पर आते हैं। ये जो चारों कोनों की वृक्ष है जिनकी थड़ों से जल गुप्ता गुप्त पांची चांदनी पर गया है, उनसे पांची चांदनी पर छह बच्चों की शोभा हुई है। ये शोभा एक अन्य नक्शे से देखते हैं। राजकुल सुंदर साथ की इन सुंदर सेवा के माध्यम से देखते हैं। बट पीपल की चौकी का सुंदर खड़ा दृश्य, रंगमहल की दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में आई बट पीपल की चौकी, चार भूम पांचवी चांदनी की शोभा, चांदनी पर फवारों की शोभा, चारों कोनों में फवारों की शोभा। इन शोभा को नजदीक से देखते हैं। बट पीपल की चौकी की चांदनी का दृश्य, चांदनी के चारों कोनों पर एक मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरों की शोभा, बट पीपल की चौकी की चार भौं पांचवी चांदनी, चांदनी के चारों कोनों में सुंदर नूरमयी फवारों की शोभा। चांदनी पर चार चबूतरे कमर भर ऊंची एक एक मंदिर के लंबे चौड़े बने हुए हैं। मध्य में आधे मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा आया है, इनको घेर कर चारों तरफ पाव पाव मंदिर की चौड़ी रोस आई है। एक मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे जिनमें आधे मंदिर की जगह में चबच्चे की शोभा हुई और 25 हाथ में घेर कर सुंदर नूरमयी रोस की शोभा हुई। रोस के भीती तरफ चार चांदू द्वारा कमल भर की सीढ़ी जल के चबूतरे पर उतरी है। रंग महल की चांदनी पर आई सुंदर छह बच्चे, आधे मंदिर के लंबे चौड़े छह बच्चे घेर कर 25 हाथ की नूरमयी रोस। चांदनी पर आए इन छह बच्चों में भी अन्य छह बच्चे जो तले की भूमि में देखे, उनके माफक इनमें भी भीतर की ओर चांदों के द्वारा जल चबूतरे पर नूरमयी सीढ़ियां उतरी हैं। इन सीढ़ियों से उतरकर जल चबूतरे पर झीला कर सकते हैं। इन शोभा को महाराज शिव जी के शब्दों में पुनः सुनते हैं। रोस के भीती तरफ चबच्चे को घेर कर जो 25 हाथ की चौड़ी रोस आई है, उन रोस के भीती तरफ चार चांदों द्वारा कमर भर की सीढ़ी जल के चबूतरे पर उतरी है। चारों चांदों की जगह छोड़कर कठेड़ा आया है। रोस के बाहर चारों तरफ चांदों से कमर भर की सीढ़ी चांदनी पर आई है। इसी प्रकार से इन रोज से चारों दिशाओं में कमर भर की सीढ़ी इन पांचवी चांदनी पर भी उतरी है। चांदों की जगह छोड़कर कठेड़ा आया है। चबच्ची पांच भूम के गहरे आए हैं। चांदनी पर आए ये नूरमयी चबच्चे पांच भूम के गहरे आए हैं। चार भूम चौकी की हुई, एक भूम परम धाम की जमीन से भोंबा नीचे यमुना जी के लेवल में, तो ये छह बच्चे पांच भूम गहरे आए हैं। एक एक छह बच्चे में पांच फवारे आए हैं। इस प्रकार से चार छह बच्चे आए हैं। इस प्रकार से कुल 100 छह बच्चा बट पीपल की चौकी में आए हैं।
चांदनी पर ये जो चार चबच्चे आए हैं इनसे भी पांच फुहारे उछल रहे हैं। नूरमयी रंग बिरंगी मोती की उज्जवल फवारे 96 फवारे तले की भूमि में देखे थे। उत्तर से दक्षिण देखे तो 16 की 6 हारे, पूर्व से पश्चिम 6 की 16 हारे। चार चबच्चे चांदनी पर हुए तो कुल 100 चबच्चे बट पीपल की चौकी के हुए। तो इन पैराग्राफ में शोभा देखी बट पीपल की चौकी में आई, सुंदर नूरमयी शोभा लिए चबच्चों की। रंग महल की दक्षिण दिशा में शोभायमान बट पीपल की चौकी, आड़ी खड़ी नहरे कटने से चबच्चों की शोभा, आधे मंदिर के लंबे चौड़े एक एक चबच्चे से उठते पांच पांच फवारे। उत्तर से दक्षिण गिने तो 16 की 6 हारे, पूर्व से पश्चिम 6 की 16 हारे। 96 चबच्चे चारों कोनों की चबच्चों का जल, चारों कोनों की चौकों में जो वृक्ष आए हैं उनके थड़ों से उगे गुप्ता गुप्त बट पीपल की चौकी की चांदनी पर पोसता है और चांदनी पर चार फवारों की शोभा। तो कुल 100 चबच्चे बट पीपल की चौकी की में शोभायमान है, सुंदर नूरमयी शोभा। इन शोभा को महाराज शिव जी के वचनों से श्रवण करते हैं। चौकों के चबच्चे, हर चौक के चारों कोना पर चार चबच्चे आए हैं जो आधे आधे मंदिर के लंबे चौड़े भूम भर के गहरे आए हैं। हर चबच्चे में पांच पांच चक्रीदार फवारे आए हैं। चबच्चे के चारों तरफ रोंस आई है, रोंस के चारों तरफ कठेड़ा आया है। ये सब चबच्चे दूसरे चौक में भी गिने जाएंगे। ये चबच्चे उत्तर से दक्षिण 16 की 6 हारे, पूर्व से पश्चिम 6 की 16 हारे आने से कुल 96 चबच्चे आए हैं। चौकी के चारों कोना वाली चबच्चा से पानी गुप्ता गुप्त वृक्षों की थड़ों में से होकर ऊपर को पांची चांदनी पर जाता है। चांदनी पर चार चबूतरे कमर भर ऊंचे एक एक मंदिर के लंबे चौड़े बने हुए हैं। चांदनी पर चार चबूतरे कमर भर ऊंची एक एक मंदिर के लंबे चौड़े बने हुए हैं। मध्य में आधे मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबच्चा आया है। इनको घेर कर चारों तरफ पाव पाव मंदिर की चौड़ी रोस आई है। रोस के भीतरी तरफ चार चांदों द्वारा कमर भर की सीढ़ियां जल के चबूतरे पर उतरी हैं। चारों चांदों की जगह छोड़कर घेर कर कठेड़ा आया है। रोस के बाहर चारों तरफ चांदों से कमर भर की सीढ़ी चांदनी पर उतरी है। चांदों की जगह छोड़कर कठेड़ा आया है। चबच्चे पांच भूम के गहरे आए हैं। एक एक चबच्चे में पांच फवारे आए हैं। इस प्रकार से चार चबच्चे आए हैं। इस प्रकार कुल 100 चबच्चा बट पीपल की चौकी में आए हैं। आगे वर्णन है हिंडोलों का बयान ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम सुंदर सा जी।